हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय फिंगर्स विद मी सानवी निचानी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ा प्रसाद यानी आटे का हलवा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आटा लिया है, 1 कप आटा है। अब हम इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये कलर में हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। हमें फ्लेम को लो ही रखना है, अगर हमने फ्लेम हाई कर दी तो हमारा आटा जल जाएगा। ये देखिए, हमने इसको हल्का हल्का, देख रहे हैं आपका कलर चेंज हो गया है कुछ ऐसे। अब हम यहाँ पे चाशनी बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी और 2 कप पानी लिया है। तो कड़ा प्रसाद बनाते वक्त हमारे इंग्रेडिएंट्स एक परफेक्ट रेशियो में होने चाहिए। जैसे कि 1 कप आटा लिया है तो हमें 1 कप चीनी, 1 कप घी और उसका डबल यानी 2 कप पानी लेना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कार्डमम पाउडर यानी इलायची पाउडर भी डाला है चाशनी में। आप किसी भी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कप का या किसी भी कटोरी का, सब इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने के लिए, पर उसी से हर इंग्रेडिएंट आप मेजर करें। ये देखिए, चाशनी बना लिया हमने। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना आटा है जो ये हमने रोस्ट किया था, हम इसमें अब घी डाल देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, 1 कप आटे में 1 कप घी डालेंगे और अब हमें इसे वापस भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो भूनने से क्या होता है, हमारा जो कलर होता है वो अच्छा आता है। अगर आप भूनेंगे नहीं तो ज़्यादा, मतलब आप अगर कम भूनेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपका कलर अच्छा नहीं आएगा। बस ऐसे ही चलाते चलाते 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम यहाँ पे हमारी मीडियम है। अब हम इसमें ये चाशनी डाल देंगे। तो चाशनी हम एक बार में सारी नहीं डालेंगे, हम धीरे धीरे करके चाशनी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली हलवे को चलाते जाना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए हमको इसमें चाशनी डालनी है और पकाते जाना है। फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही होनी चाहिए, मीडियम या आप लो टू मीडियम रख सकते हैं, ज़्यादा हाई ना रखें वरना छींटे उड़ेंगे। ऐसे अब हम इसको स्पून की जो हमारा करछी है उसकी बैक साइड से ऐसे चलाएंगे, जिससे हमारी गुटियाँ बन भी रही होंगी तो वो टूटती जाएंगी ऐसे कुछ। पर हमें यहाँ पे एकदम फास्ट फास्ट इसको चलाना है, रुक जाएंगे तो फिर जो हमारा हलवा है, कड़ा प्रसाद है, वो अच्छा नहीं बनेगा। देखिए अब रेडी है, कितना खिला खिला बनाएंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।